हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक प्रॉब्लम मुझे स्टूडेंट की ओर से मिला है और वो प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट का लोसई ऑफ पॉइंट का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का ये प्रॉब्लम है और डेटा इस प्रकार है। ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अलॉन्ग अ रोड ओ ए 96 mm लॉन्ग पिवोटेड एट ओ। द रोड रिवॉल्व थ्रू 72 डिग्री फ्रॉम ए टू ए वन एंड बैक टू ए वाइल द पॉइंट पी मूव फ्रॉम ओ टू ए। तो एक प्रॉब्लम है लोसाई ऑफ पॉइंट का, जहां एक वर्टिकल रोड है और वर्टिकल रोड पर पॉइंट मूव कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली एट द यूनिफॉर्म स्पीड। वो जो 72 डिग्री एंगल दिया है, उस एंगल के जरिए वो भी मोशन होती है, एंगुलर मूवमेंट भी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, लिनियर प्लस एंगुलर मोमेंट का, और दोनों का कंबाइन होके नया लोकस कैसा मिलता है पॉइंट का, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, लोसई ऑफ पॉइंट्स के इस प्रॉब्लम में मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, जो वर्टिकल लाइन होगी और उसकी लेंथ होगी 96 mm। तो मैं पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा जीरो पॉइंट है और जीरो से लेके 96 mm तक की एक लाइन बनेगी, और ये 96 mm वाली जो वर्टिकल लाइन है उसके हम 12 डिविजन्स बनाने वाले हैं। तो 96 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स ईच डिविजन ऑफ 8 mm। तो हर 8 mm पर वो हम पॉइंट नोट करते जाएंगे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, देन 16 पर दूसरा पॉइंट आएगा, 24 पर तीसरा पॉइंट, देन 32 फोर्थ पॉइंट, 8 5 जा 40, देन 48, 56, देन 64, 72, 80, देन 88 एंड लास्ट वन इज द 96। तो ऐसे एक वर्टिकल लाइन बन गई और उसके हम पॉइंट नोट कर देंगे। ये हमारा जो शुरुआत वाला पॉइंट है, दिस इज ओ, और ये पॉइंट है उसको हम कहेंगे ए, और उसके हमने 12 डिविजन्स बना दिए। तो ये पहला पॉइंट वन, दूसरा पॉइंट है टू, थ्री, देन फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11 एंड लास्ट पॉइंट इज 12। तो हमने 12 पॉइंट्स नोट कर दिए। अभी आगे क्या करना है, ये जो ओए वर्टिकल लाइन है उसके साथ हम एंगल लेंगे एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से 72 डिग्री, और 72 डिग्री का एंगल सेट करके, जैसे मैंने एंगल प्रोटेक्टर का सेंटर यहां पर रखा और 72 डिग्री पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 72 एक और लाइन बनेगी, विच इज 72 डिग्री इंक्लाइन। तो वैसी एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे विथ ओरिजिनल पॉइंट ओ। ऐसे अभी लेंथ तो सेम रहने वाली है, तो ये जो कंपास है उसका सेंटर हम रखेंगे ओ पर, और लेंथ उसकी 96 mm होगी, और वैसे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ऐसे यहां जो नया पॉइंट मिला वो पॉइंट हमारे लिए होगा A1, मीन्स पॉइंट ए से शिफ्ट हो गया, A1 पर जाता है फिर वापस यहीं पर आता है। तो ए से A1 और A1 से A तक आने के लिए जो डिविजन्स होने चाहिए वो 12 होने चाहिए। तो 6 डिविजन फॉरवर्ड साइड में और 6 डिविजन रिवर्स में होने चाहिए। तो 72 डिग्री एंगल जो है उसके हम 6 पार्ट बनाएंगे। ईच पार्ट इज ऑफ 72 डिवाइड बाय 6 मीन्स ईच पार्ट ऑफ 12 डिग्री। तो ये जो एंगल है
72 डिग्री, उसके हमें 6 डिविजन्स कर रहे हैं। मींस ये पहला हमारा होगा 12 डिग्री पर, 12 देन 24 देन 36, फिर 12 फोर जा 48 मींस ये 48, देन 60। तो ऐसे हमें डिविजन्स बन मिलेंगे और ये सभी पॉइंट्स में से हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे। जैसे ये पहली लाइन हो गई, वैसे हर एक पॉइंट्स को हम जोड़ने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट इज जॉइन, देन थर्ड पॉइंट इज जॉइन, फिर ये फोर्थ पॉइंट है जिसको हम ओ के साथ जॉइन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। ओ और ए पॉइंट ऐसे जॉइन होगा। अभी इसकी वजह से हमें जो नए पॉइंट्स मिले, जैसे ये मेरे लिए पहला पॉइंट हो गया 1, ये हो गया 2, 3.4, 5, ये 0.6, फिर रिवर्स में 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मींस ये जो पेंडुलम टाइप मोशन है पहले इस डायरेक्शन में जाएगी एंड देन इट विल बी रिटर्न इन दिस वे, और उस वक्त यूनिफॉर्म स्पीड है तो हमें अलग अलग पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अभी पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं कंपास का सेंटर रखता हूं ओ पर, और ओ से 1 तक की जो रेडियस है, लेंथ है, उतनी मैं रेडियस लेके पहले वाले आर्क को कट करता हूं, फर्स्ट आर्क 1 वाला पॉइंट है वहां पर। देन सेकेंड पॉइंट डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ टू, और उसको सेकेंड लाइन को हम इंटरसेक्ट करेंगे यहां, फिर ओ थ्री लेंगे, थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, फोर्थ पॉइंट लेंगे और फोर्थ वाला पॉइंट कट करेंगे, देन ओ टू 5 रेडियस, फिफ्थ पॉइंट इज कट, ओ सिक्स, ओ सिक्स लेंगे तो ए पॉइंट ओ सिक्स तक, मीन्स इतना यहां कट होगा। फिर रिवर्स ऑर्डर में ओ सेवन, तो 7 वाली लाइन यहां पर कट होगी, फिर ओ एट, तो 8 वाला पॉइंट कट होगा, देन ओ टू 9 तक की रेडियस लेंगे और 9 वाली लाइन कट करेंगे, ओ से 10 इतनी रेडियस, 10 वाली लाइन कट कर दी, ओ टू 11, 11 लाइन कट कर दी, और ओ 12 तो ओरिजिनल पॉइंट है ही, लास्ट पॉइंट। तो वैसे हमें पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे यहां फर्स्ट लाइन इंटरसेक्ट हुआ तो ए पॉइंट हमारे लिए P1, दूसरा लाइन यहां कट हुआ तो वो P2, थर्ड लाइन इज इंटरसेक्टेड हियर इट इज P3, फोर पॉइंट 4 से यहां तक तो ये पॉइंट P4, 5 वाली लाइन तो ये P5, 6 वाली लाइन कट कर दी हमने ए P6, फिर रिवर्स ऑर्डर में ये 7 वाली भी लाइन है तो ये P7, देन ये P8, इस पॉइंट को हम कहेंगे P9, ये P10, दिस पॉइंट इज P11 और लास्ट पॉइंट जो है वो P12। तो 12 पॉइंट्स मिलेंगे, ये सभी 12 पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा लोसर योर पॉइंट्स। तो मैं ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने 12 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया स्मूथ कर्व से, फ्री हैंड से, यहां से P6, P7, P8, P9, P12। तो ये जो लोकस बना वो आपका लोकस ऑफ पॉइंट है, लोसर योर पॉइंट है, कि जैसे पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होता है साइमल्टेनियसली एंगुलर मूवमेंट भी मिलती है। तो 1 और 1 को मैच करेंगे, 2 और 2 को मैच करेंगे, 3 और 3 को,
वैसे करके लास्ट पॉइंट हमें P12 मिलता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप समझ के खुद इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।